हेलो, आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय चतुर्वेदी जी, भाई मिश्रा जी, हमारे जितिन मिश्रा जी जो हमीरपुर से चलकर हमारे बीच में आए हैं, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विनोद चतुर्वेदी जी के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने हमेशा कमजोर गरीबों की बात की लड़ाई लड़ी है। विधायक रहे तो विधानसभा में वो सवाल उठाए और जनता के बीच में रहे तो हमेशा लोगों के लड़ते रहे हैं। और हमारा सौभाग्य भी आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनका हृदय से फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही हमारे भाई जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं कि किसी से प्रेम हो जाए ये सहज नहीं होता, किसी से रिश्ते अच्छे हों ये बात भी साधारण नहीं होती। कहते हैं कि किसी से लगाव हो, अपनापन हो या इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये बात मामूली इससे नहीं होती। कहते हैं कि जब लगाव तभी बढ़ता है जब जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता बना होता है। तो इस जन्म में नहीं पर किसी ना किसी जन्म का कोई तो रिश्ता है, अभी तो इतना प्रेम और लगाव आपस में है। मैं कलाकारों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सागर से चलकर हमारे बीच में आए हैं हम लोग, पिछले 15-16 सालों से मौत महोत्सव की मार्फत देश के कलाकारों को बुलाते हैं। लोकगीत का जब भी नाम आता था देसा कटरिया जी के बगैर को अधूरा सा लगता था, और देसा कटरिया जी से लेकर बहुत सारे बड़े कलाकार हम लोगों ने यहाँ बुलाए हैं, उनकी अलग छाप थी। लेकिन अब मिश्रा जी ने रहे दुनिया में रूम आई किसको बता, जानकारी करो कि मिश्रा जी के बराबर कोई नाम तो हो ऐसा। तो लोग ने कहा कि एक नाम है और वो नाम तुम्हारे सामने है। हम लोगों के पास तमाम इंटरनेट के माध्यम आ गए, यूट्यूब खोलो, लोकगीत कलाकारों के देश में अच्छे लोगों को ढूंढोगे आप तो आपके बीच के कलाकार को जरूर पाओगे आप। इसलिए हमने ये सोचकर बुलाया है कि कलाकार तो वही है जो अपनी कला से लोगों के दिलों को जीत जाए, उन्हें खुशियां देकर चला जाए। कलाकार मामूली नहीं होता, भगवान ने कुछ विशेष को बनाया। हम कहते हैं लोगों से कई बार, ये बेचारे घर में कैसे कर रहे हैं, जिंदगी कैसे कट रही है, बैठे मंच के लोगों के विषय में हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता। पर जितनी देर यहाँ रहेंगे मंच में, घंटे दो घंटे तीन घंटे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनका गीत तुम्हारी खुशियों की वजह से जाए, तुम खुशियाँ पाओ, आनंद पाओ। ये हमारे कलाकार जो हमारे बहन बेटी की सकल में किसी रूप में देखो आप उनको, ये नृत्य कर रही हैं, इनकी जिंदगी क्या है नहीं पता, पर ये कोशिश कर रही हैं कि हमारा भी तुम खुशियाँ दे जाए, तुम खुश आनंदित हो जाओ, कुछ देर के लिए एकदम भूल जाओ। असल जिंदगी की लड़ाई यही है कि हम किसी की खुशियों की वजह तो बने, असली परीक्षा भी जिंदगी की यही है कि हम किसी के काम आकर अच्छी खुशियों की वजह बन जाए। ये कार्यक्रम इस बार अलग है, इस बार ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपनी माता की याद में किया है और कार्यक्रमों से कार्यक्रम थोड़ा हटके है, माता जी की पूर्ण स्मृति में जुड़ा है इस कार्यक्रम को, जो भगवान की कथा भी कराएंगे। और लोगों ने कहा कि लोग महोत्सव भूल गए, महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं होता, ये जनता के द्वारा थोड़ी जनता का कार्यक्रम है, ये हिंदुस्तान का प्यार में अनोखा महोत्सव है, क्योंकि सारे देश में महोत्सव सरकारी होते हैं लेकिन मौत का महोत्सव अपना घर का महोत्सव है, हम सब मिलकर करते हैं। हम लोग हर बार शादियां भी कर रहे थे और शादियों से इसलिए जुड़े थे कि हम गाँव से निकल कर आए, हम लोग एक बात जानते हैं मौकी जी कि हमारे घर में बहन बेटी कोई भी हो
सबका एक बड़ा सपना होता है मेरी शादी अच्छी हो, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। लेकिन जब वही बहन और बेटी देखती है कि हमारे माँ बाप कर्ज में डूबे हैं, भाई के पास कोई काम नहीं है, तो वो अपनी परेशानी उनकी परेशानी को देखकर भगवान से भी मांग लेती है कि भगवान शादी कहीं हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे हैं। ये हमारे घरों की सच्चाई है। इसलिए हमने कोशिश की कि मैं उन परिवारों की बेटियों को अपनी बहन बनाऊंगा और धूमधाम से शादी करेंगे। आप गवाह हो कि नायजुमत के किस्में हम लोगों ने इंतजाम किए, 100-100 बरातें एक साथ आ रही हैं, इतनी बरातें भगवान ने इस उम्र में, राजनीति में बहुत लोग हमसे आगे हैं लेकिन भगवान ने जितनी बहने भेजी उतनी बहने किसी नेता के पास नहीं आए। कोई राजनीति में कोई कहना हो कोई गलती नहीं है, भगवान ने हमें सिर्फ इंसान बनाया था, बिरादरी हमारे पुरखों ने बनाई, और बिरादरी नफरत के लिए बनी थी, समाज को अच्छा बनाने के लिए बिरादरी बनाती थी कि खाने की जिम्मेदारी ले लेंगे तो समाज अच्छा बना देंगे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं माँ के लिए शब्द जरूर आपसे कहना चाहता हूँ। जब माँ नहीं रहती है ना तब माँ का अभाव सामने आता है। इसे जिसकी भी माँ जिंदा है अपनी माँ का जरूर ध्यान रखता है। मेरी यही प्रार्थना माँ का है कि माँ से ज्यादा बहुमूल्य कोई नहीं है दुनिया में। हम सोचते थे अपनी माँ की सेवा करेंगे लेकिन माँ ने मौके नहीं दिया कि सेवा हम कर पाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी माँ बीमार हो गई। मैंने एक दिन और सुनाई थी बात, वो अपनी माँ के साथ अस्पताल में रह रहे थे। मिलने गए उनसे, मुझे यार तुम इतना बड़ा काम देख रहे हो, पता लगा बिजनेस तुम कर रही है, क्या कर रहे हो? कह रहे मेरी माँ बीमार है। तो मैंने घर तो पास में ही है, तुम जाके वहाँ से ना धोके आ सकते थे। कह रहे नहीं मेरी माँ है, मैं कह छोड़ता हूँ उसको जाके, मैं जब मान लो वहाँ चला गया उस समय कुछ हो गया तब। तो मैंने कहा तुमसे मैं सीख के जा रहा हूँ, मैं जिंदगी में कुछ समय निकालूंगा अपनी माँ की बड़ी सेवा करूँगा। मैं आपसे भी यही बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में अगर माँ की सेवा करने का अवसर बच्चा हो जरूर से खोना ना पड़े। और यही निवेदन के साथ ये महोत्सव इसीलिए हम आयोजित करते हैं, इसमें कुछ कलाकार कुछ मनोरंजन भी कराएं, कुछ सिखा के चले जाएं आपको, जो आपके जीवन की प्रेरणा बन जाए। भगवान की कथा भी इसलिए सुनाते हैं कि कहते हैं कि कथा भगवान की कथा से दिखाई पड़ती है, और कथा सुनते मात्र से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कथा व्यथा नहीं है बल्कि मंत्र है। गुरु भूषण जी महाराज देश के बड़े वक्ता है, दुनिया में कथा करके आए हैं, बहुत सारे देशों में गए हैं, और तुम्हारे घर में आए हैं। मैं देखता हूँ कि अब तो खैर भीड़ बहुत आ रही है लेकिन धीरे धीरे माताएं बहने तो आती हैं, पर अब लोग कमाते हैं। ये सच है कि हमारी माताएं बहने भगवान की पूजा करके पतियों को बचाए रहती हैं। सही है बात है, लेकिन ये कि सारी शक्ति इन्हीं के पास है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा, बंगाल की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी माँ सरस्वती, सारी ताकत स्वरूप में है। इसलिए जो बड़ा बनना है उसे मैं जरूर एक बार बोलूंगा, जिन्हें बड़ा बनना है, ज्ञानवान बनना है, बलवान बनना है, अपने घर में माँ की शक्ल में रूप में जो भी है उसका सम्मान जरूर करना। सम्मान नहीं करोगे सम्मान नहीं हो सकते। हो हम तो लोगों को धारण सुनाते हैं कि हमारी मीरा से लड़ाई हो ही नुकसान पे है। इसलिए उन्नति तरक्की चाहते हो तो माँ बहन बेटी की शक्ल में, पति की शक्ल में जो भी है उसका सम्मान जरूर करना। ये मुझे उम्मीद है। एक बार फिर आदरणीय भगवंत कुलवीर जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं हम लोगों ने निमंत्रण भिजवाए, गुनुआ भी लग पाए, हमारे साथियों ने गाँव गाँव में लोगों में बातें हैं, उन साथियों का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरी माँ की भूमि स्मृति में मेरे कार्यों को भगवान तक पहुँचाए, कोशिश की है। लेकिन फिर भी किसी को जानते हुए नहीं पहुँचा हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। कथा में भी हो जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे, उनके सेवा कार्य को भंडारा उसमें जरूर आप आइए। यही मेरा अनुरोध है आपसे प्रार्थना और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कलाकार होते रहेंगे, आप अपने शुरू कीजिए कार्यक्रम, और हमें पूरा भरोसा है कि आप एक बार फिर दूसरा से प्रदान प्रयास करा देंगे। आपसे धन्यवाद। Thank you.
बच्चों सौभाग्य है